देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल पांडे। कॉफी कैफे डे के नाम को कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे की जुबान पर कॉफी कैफे डे का नाम रहता है। जी हां, वही कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ लापता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ अपनी कार से एक नदी के पास घूमने गए थे और थोड़ी देर बाद वो कार से उतर जाते हैं और कुछ देर बाद अपने ड्राइवर से वापस लौटने के लिए कहते हैं। उनसे बोलते हैं कि आप जाइए, हम बाद में आ जाएंगे, और उसके बाद से वो लापता हो जाते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या है पूरी खबर। 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी कैफे कॉफी डे के मालिक और पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा के दामाद विजय सिद्धार्थ अचानक लापता हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ 29 जुलाई को मंगलुरु आ रहे थे और बीच रास्ते में सोमवार शाम 6:30 बजे गाड़ी से उतर गए और टहलने लगे और टहलते टहलते ही वो लापता हो गए, जिसके बाद उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पूरा पुलिस फोर्स उनकी तलाश में जुट गया है। बता दें कि एक तरफ लापता सिद्धार्थ की तलाश में दक्षिण कन्नड़ पुलिस जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी SM कृष्णा के आवास पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि वी सिद्धार्थ 29 जुलाई की शाम नेत्रावती नदी के पास से गायब हुए हैं। तब से लेकर अब तक परिवार के किसी भी सदस्य का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि लापता होने से पहले सिद्धार्थ ने अपनी CFO से बात की थी। वहीं खबर है कि कॉफी कैफे डे पर 7,000 करोड़ का लोन है। पुलिस को शक है कि लोन के कारण सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया। वहीं मंगलुरु पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि विजय सिद्धार्थ बेंगलोर से यह कहते हुए निकले थे कि वह सकलेशपुर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अपने ड्राइवर से मंगलुरु जाने के लिए कहा। नेत्रावती नदी के पुल पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने कार से नीचे उतरे और अपने ड्राइवर को जाने के लिए कह दिया। CFO से बात करने के बाद सिद्धार्थ का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इस कारण SM कृष्णा समेत पूरा परिवार परेशान है। तो वहीं सिद्धार्थ जिस जगह से लापता हुए हैं, वहां सिद्धार्थ को खोजने के लिए कर्नाटक पुलिस ने नदी में कई बोट और गोताखोरों की पूरी टीम उतार दी है, जो तलाशी अभियान चला रही है। साथ ही सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए मंगलवार की सुबह शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में खुद वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक अब्दुल खादेर भी जुट गए हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।